पहली बार एसोसिएशन ने राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर एक बड़ा भाईचारे का संदेश दिया। बार एसोसिएशन कक्ष में हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। दोनों समुदाय के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में फैसला लिया, जिसका दोनों समाज के लोगों को तहे दिल से स्वीकार करना चाहिए और देश में एकता भाईचारा कायम रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि फैसले की तारीख 9 नवंबर को सद्भावना दिवस के रूप में अधिवक्ता मनाएंगे। 9 नवंबर को हर वर्ष सद्भावना दिवस बार एसोसिएशन कचहरी परिसर में मनाया जाएगा। सदस्य हूं मैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरी तरह से सम्मान करता हूं। इस फैसले में जहां तक मेरा अपना विचार है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सभी तथ्यों पर दिया है, सारे प्रकरण को देखते हुए दिया है और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद का पटाक्षेप किया है। इसको हर मुसलमान, हर हिंदू को इस बात को समझना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के बाद 9 नवंबर के बाद ये मुद्दा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उन्होंने एक तरीके से ये सद्भावना का संदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि उन्होंने मंदिर को भी जगह दी, मस्जिद को भी जगह दे दी, तो ये पूर्ण रूप से एक सद्भावना और देश की एकता अखंडता को देखते हुए फैसला है। हम सभी धर्मों को इसका सम्मान करना चाहिए, खुले दिल से सम्मान करना चाहिए और खुले मन से इसको स्वीकार करना चाहिए। ये जो फैसला आया है इसने फैजाबाद के इतनी सालों की समस्याओं का निजात करा दिया है। फैजाबाद की आम जनता, अधिवक्ता, सारे लोग संतुष्ट हैं और हम लोग सद्भावना दिवस मनाने का निर्णय लिए हैं कि 9 नवंबर को हर साल सद्भावना दिवस मनाएंगे और सब आज मिठाई बांटा जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये अयोध्या का नारा है। राम भगवान का भी एक नारा था, राम का ही, राम राज का भी यही था कि छोटा अमीर गरीब हर जात हर वर्ग का आदमी एक साथ रहे, यही यहाँ बार एसोसिएशन का भी कहना है।